आज ना मैं आपके लिए, खास आपके लिए, एक स्पेशल चंपी सीख के आया हूँ। अफ्रीका के जंगलों में करते हैं ऐसी चंपी, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। वेल, मुझे चंपी शंपी नहीं करवानी इज्दा, मेरी शादी में मेरी ही चोरी होगी तो शेरवानी इज्दा। आपने कभी पहले करवाई ये वाली चंपी? आप पहले ही मना कर देते हो ना भैया, एक बार ये चंपी आप करवा के देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको, रोज आप मेरे को बुला बुला के बोलोगे कि बिल्लू मेरे को अफ्रीका वाली चंपी कर 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 कर। नो। अरे क्या कर रहा है यार गोपी, इतना प्यार से कह रहा है, वो इतना सीख है अफ्रीका से, यार अफ्रीका कितना दूर है पता है तुझे? कुछ आता होगा लड़के को, इतना टैलेंटेड है, करवा लेना यार, क्या जाता है। ओके, कैरी ऑन। मजा आएगा। अरे गुलगुले, इसके जरा जो रिलेटिव है ना, बैठे हैं वहाँ कमिश्नर के ऑफिस में, जीजा जी इसके कमिश्नर साहब, जरा उन्हें फोन लगाओ और बताओ इसकी जो है एक दुकान खोल दें, मालिस की, कि पुलिस का काम तो इसके बाप के बस का है नहीं। लगा दिया मैडम, फोन लगा दिया। अरे क्यों मैडम, मैडम ऐसी कौन सी ड्यूटी जो मैंने नहीं की, ऐसा कौन सा फर्ज मैंने नहीं निभाया, ऐसा कौन सा कर्तव्य मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा कौन सा काम आपने मुझे दिया हो जो मैंने नहीं किया हो, आप मुझे सुना रही है? डॉगी का एड छपा दिया। आप इधर आइए मैडम, आप इधर आइए सर। क्यों नहीं सर, यस सर। मैडम मैं तो बस कह रहा था कि आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं मैडम। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम, आप मुझसे पूछ ही क्यों रही हैं? मैडम मैं हूं ना, मेरे होते हुए आप ऐसी बॉडम बसंती के, मेरा मतलब है मैडम आप टेंशन ले क्यों रही हैं? मैडम ये देखिए मैडम, इतने सारे ये देखिए, ये सारे के सारे पेपरों में मैंने वो छोटे से डॉगी की फोटो छपवा दी है मैडम। मैडम उसको अपनाने के लिए आपको आता ही होगा मैडम, मैं गारंटी देता हूँ आता ही होगा। मैं तो भैया की छपी है। और अगर ना आया तो तू बनेगा कुत्ते का कुंवारा बाप। नमस्ते मैडम, और क्या हाल है? कचौड़ी बड़ी चौड़ी है। अबे कचौड़ी ने रहन दे तू, तू क्यों हो रही इतनी चौड़ी फ्री फंड में आके चौकी में? मैडम हम बीवी है, कचौड़ी बड़ी चौड़ी है। ओ किसकी बीवी हो? मोहल्ले की। अरे अरे दादाजी बेहोश क्यों हो गए? मोहल्ले मतलब पूरे मोहल्ले की नहीं भाई, ये हमारी बीवी है, ये, ये, ये। और हमारा नाम है मोहल्ले बाऊ बाऊ, काट खाऊंगा। रहता कहाँ तू? जी हम रहते हैं घटिया पुरवा, सड़ियल कॉलोनी, थर्ड क्लास अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 420, काट खाऊंगा। मैडम देखिए, हमने अखबार में पढ़ा कि यहाँ एक कुत्ता है जो बेसहारा है। देखिए मैडम, हम उसे सहारा देना चाहते, मतलब उसे अपना के अपने घर ले जाना चाहते, क्योंकि हम लोग डॉग लवर्स है ना, काट खाऊंगा। हाँ ठीक है, कल आना इसी समय, कल उसको ही बुलवा के रखो, पुरुष ने और वो कोरियर वाले ने। हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। ठीक है मैडम, कल हम इसी समय इसी जगह यहाँ पर आ जाएंगे, इसी बात पे, कचौड़ी बड़ी चौड़ी है। अरे तो एक काम कीजिए ना, आ ही रही तो जरा कचौड़ियां भी लेके आइएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी भूख लगी, मुझे नहीं खाना। मैं वैसे भी नहीं बनाती हूँ। चलो चलो गोद भराई के लिए कल आते हैं, चलिए। मैडम हम लोग डॉग लवर है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें ये प्यारा सा स्वीट सा कुत्ता दिलवा दीजिए, कचौड़ी बड़ी चौड़ी है। नहीं दिलवा तो देंगे हम तुम्हें योर डॉगी, लेकिन इस बात की के जो है गारंटी है कि तुम इसका ध्यान रखोगे, कैसे रखोगे इसका ख्याल? अरे अरे मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम अपने कुत्तों को अपने बच्चों की तरह रखते हो? अरे नहीं सर, बल्कि हम तो अपने बच्चों को कुत्ते की तरह रखते हैं। ए मेरा मतलब कि आप सोचिए, जब बच्चों को कुत्ते की तरह रखते हैं तो कुत्ते को कितने प्रेम से रखेंगे, काट खाऊंगा। ये पॉइंट है मैडम, पॉइंट है, कुछ ज्यादा हो रहा है भैया, लेकिन एक बार तुमसे हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये प्यारा सा पप्पी बहुत ही प्यारा है, बेजुबान है, इस पर कभी कोई जुल्म ना करना, कभी कोई तकलीफ ना देना, क्योंकि हम बेजुबान ना है।
नहीं नहीं आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, बस आप हमें ना इसे गोद दे दीजिए, कचौड़ी बड़ी चौड़ी है। चलो ठीक है, पुरुष ले ले तू डिलीवरी। यस मैडम, मैं हूँ पुरुष, करता हूँ पुरुष। हलवा है क्या मैडम? आर यू श्योर के ये लोग ये कुत्ता ले जाएंगे? तुम यार बड़े वाहियात टाइप की अजीब आदमी, कमाल है यार, मैडम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं और तुम उन्हीं पर शक कर रहे हो। पागल आदमी हो गया? चुपचाप साइन करो यहाँ पे, वरना गुब्बारा फोड़ दूंगा, ताले तोड़ दूंगा। कहता हूँ पेन लाओ, पढ़ो इसे। कुरियर वाला राम दुलारी की शादी एस राम टहलू से हो जाएगी, और ये सारे के सारे लोग ये राम टहलू से मिले हुए, ये बहुत चालू आदमी है, मैं बता रहा हूँ, साइन मत करना। कुछ हुआ था क्या सर? अबे हम तुझे किस एंगल से राम टहलू हलवाई लग रहे बे? हैं? चल खड़े। ठीक है? हो गए साइन? हाँ। ये पकड़ो कुत्ता, पकड़ो अपना। अरे मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू मैडम, इसने साइन कर दिए मैडम, अब मेरी नौकरी पक्की हो गई, और मेरे डैडी जिनका नाम मम्मी है उनको दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया मैडम, अब मैं गुब्बारे फोड़ दूंगा, ताले ला 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 ला, साइन हो गए। साइलेंस, पागल हो गया मैडम। मैंने ये कुत्ता दत्तक ले लिया, माने डिलीवरी ले ली इसकी, और मैंने इनको ये दे भी दिया, ठीक है? थैंक यू वेरी मच मैडम कि आपने मेरी इतनी मदद की। हलवा है क्या? ए मैडम आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गर्मी में इसको एसी में सिलाएंगे, सर्दी में इसके लिए स्वेटर बना के देंगे, ए तुम बनाना स्वेटर अपने हाथ से, और बारिशों में इसके लिए स्पेशल रेनकोट भी बनवा लूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा, काट खाऊंगा, ठीक है? पर एक बात याद रहे, अगर इसमें से किया हुआ एक भी वादा तुमने ना निभाया तो काट मैं खाऊंगी। नहीं रखेंगे ना, चले हम लोग मैडम। मुझे भी गोद ले लो ना यार। अरे खाते अकेले अकेले, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, अरे बेटा मेरा। स्कूटर को भी आज ही खराब होना था। अरे यार गोपी, इतनी बरसात हो रही है और साथ में हवा भी चल रही है, छाता हमारा ज्यादा साथ देगा नहीं। अरे यार कितना बढ़िया मौसम है, बरसात हो रही है, काश यहाँ होता दोनों। गोपी तुझे और कुछ सूझता है कभी? हर वक्त अरे बरसात हो रही है तो भजिए की बात कर, चाय की बात कर, पकोड़े समोसे। शेफ गोपी यार तो वे गोपी एक देख, वो वही कुत्ता है ना, वो कुरियर वाला? हाँ वही लग रहा है यार, देख दरवाजे पे नाम भी वही है, यही लोग लेकर गए थे ना चौकी से इस कुत्ते को। हाँ डॉग लवर। ऐसे हैं ये डॉग लवर्स, या कुत्ते को बाहर बांध रखा है बरसात में और अपने आप को डॉग लवर कहते हैं, अंदर बैठे हैं आराम से। बेचारा यार, अब
माफ कर दीजिए मैडम, मैडम कसम खाता हूँ मैं अपने बाप की, अपने किए हुए पाप की, कि मैं मोहल्ले भाऊ भाऊ आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, काट खाऊंगा। नहीं 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 मैडम, इसको मारिए, मेरी तरफ से 200-300 घूसे और मारिए मैडम। अरे कुत्ते के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कुत्ते की तरह मारिए इसे। नहीं मैडम, इसको आप मुझे दीजिए, मैं इसको लेके जाऊंगा किसी ऐसी चुपचाप जगह पे रखूंगा, फिर रोज जाके जब जब मूड करेगा इसको 2-3 हजार घूसे मारूंगा ना, तब इसकी तबीयत ठिकाने आएगी। Well, मैं इसको डंडे लगाऊंगा आपके आफ्टर इज द एक नंबर के दोनों है ये चैप्टर इज द है। जब कुत्ते से प्रेम ना है तो क्यों लेके गए थे इसे यहाँ से? मैडम हमको माफ कर दीजिए, हम कोई डॉग लवर नहीं है, हम तो डॉग डीलर है। मेरा मतलब है कि हमारा तो ये धंधा है, इंसान लालच में हो जाता है अंधा। हम तो कुत्ते को कहीं से भी पकड़ के उनको ऊंचे दामों में बेच दिया करते हैं। कचौड़ी बड़ी चौड़ी है। अरेस्ट करो इन्हें। अरेस्ट तो कर लेंगे मैडम, लेकिन इस बेचारे कुत्ते का क्या होगा मैडम, ये कहाँ जाएगा इतना प्यारा सा बड़ी बड़ी आंखों वाला। आज रात तुम तीनों की ड्यूटी हो रही है ना चौकी में? या यस। सही, आज रात इसे यहीं रखो, कल देखेंगे क्या करना है। और कोई लपाड़पंती ना होनी चाहिए इसके संग, वरना ये कत्ल होगा डायरेक्टली। ये कौन सा हमारी बुआ का लड़का है जी, हम इसके साथ मजाक करेंगे? बुआ का लड़का तो तू भी ना है, क्यों पल रहा है इस चौकी में? सावे केला खाता है क्या? ये लो खाना, खा लो खाना। और एक बात याद रखना, ये दुनिया का सबसे मजबूत लॉकअप है, यहां से भागने के बारे में गलती से भी मत सोचना। इसकी सिर्फ दो चाबियां हैं, जिसमें से एक गुलगुले जी के पास रहती है और एक मेरे पास। गोलू सोया नहीं अभी तक, आ जा मैं लोरी गा के सुना देती हूँ तुझे। जो तो बांध के रखना पड़ेगा। भूला। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था, वो कैदी खुद बोल रहा है कुछ नहीं हुआ था। आप लोगों ने सिर्फ मुझे बदनाम करके रखा हुआ है, जब देखो तब मुझ पर इल्जाम लगा, वो खुद बोल रहा है कुछ नहीं हुआ था। अरे तो वो कौन है? ए बिल्लू कौन हो तुम? ए खाना खाओ। गीता मेरी गर्लफ्रेंड है। Thank you.
कुत्ते की तरह कौन भौंक रहा है यार? कुत्ता ही है। सो बेटा सो, गीता मेरी गर्लफ्रेंड है, चला मैं। इस चौकी में तीन तीन मुस्टंड है, हवलदार है, फिर भी एक क्रिमिनल जो है जेल तोड़ के भाग रहा था, और वो तो भला हो इसका, इस बेचारे बेजबान जानवर का, जिसने इसे रोका, इसे काट लिया, वरना तुमने तो निभा ली थी ड्यूटी। अरे असली ड्यूटी तो इसने निभाई है आज, और तो अच्छा हुआ इसकी वजह से मैं वापस आ गई, क्योंकि मन ने याद आया कि इस बेचारे ने कुछ खाया ना है, यो तीनों तो खूब खा पी के डकार के सो रहे होंगे। बेटा इसे होना चाहिए पुलिस में, तुम्हें नहीं। सॉरी मैडम, इसने तो हमको जगाने की कोशिश भी की थी भौंक भौंक के। हम या मॉम, हमने समझा ये कर रहा है हमें डिस्टर्बेंस था, पर हमें है इस पे गर्व इस दा। हाँ हाँ मैडम, इसने आज हमारी चौकी की नहीं बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचाई है। हाँ यो तो बिल्कुल सही कहा, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि यो कहीं ना जाएगा, यो इसी चौकी में रहेगा और हमारी टीम में रहेगा, और आज से मैं इसे गोद लेती हूँ। इस चौकी में मैन तो कई सारे हैं पर जेंटलमैन कोई ना है, इसलिए आज से इसका नाम है जेंटलमैन। जेंटलमैन, आज से यो जेंटलमैन पुलिस का ये एक सिपाही है, और तुम में से किसी ने अगर इसके संग जरा भी कोई बदतमीजी या छेड़छाड़ या कुछ भी करने की कोशिश करी तो बेटा देख लेना, आज जो इसने बहादुरी दिखाई है उसके लिए ईप तुम तीनों इसे सलाम करोगे। छोटा सा कुत्ता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।